पिथौरागढ़ के रावत भाटा में चंबल नदी पर स्थित 50 साल पुराने राणा प्रताप सागर बांध की हालत अब सुधरने वाली है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत केंद्रीय जल आयोग के जरिए वर्ल्ड बैंक ने देश भर के 733 बंधे बांधों की मरम्मत के लिए 11,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी के तहत प्रदेश के सबसे बड़े राणा प्रताप सागर बांध की कायाकल्प के लिए करीब 44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 50 साल पुराने राणा प्रताप सागर बांध के अच्छे दिन आने वाले हैं। लंबे वक्त से अपनी बदहाली पर आंसू बहाने वाले राणा प्रताप सागर बांध के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ रही हैं, क्योंकि सरकार से बांध के जीर्णोद्धार के लिए 44 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। पहले चरण में 25 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बांध का हाइड्रो मैकेनिकल कार्य होगा, जिसमें स्लूज गेट बदलने के साथ सभी गेटों की मरम्मत की जाएगी। तो दूसरे चरण में 18 करोड़ 38 लाख की लागत से सिविल कार्य होंगे। अब अगले महीने से टेंडर लगने के बाद राणा प्रताप सागर जीर्णोद्धार का काम शुरू हो जाएगा। टोटल आरपीएस और जीएस मिला के 4 वित्तीय प्रशासन स्वीकृति जारी हो चुकी है और ये उसके अंतर्गत लगभग 90 से 95 करोड़ रुपए के काम है, जिसमें हाइड्रो मैकेनिकल वर्क्स हैं, सिविल वर्क्स हैं दोनों ही बांधों पर। और ये अभी स्वीकृति जारी हो गई है, टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, तो मैं सोचता हूँ आगामी 1 माह के पश्चात ये टेंडर प्रक्रिया फ्लोट होके और ये कार्य टेंडर प्राप्त होने के पश्चात प्रारंभ कर दी जाए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में राणा प्रताप सागर बांध को देश को समर्पित किया था। पिछले 50 सालों से बांध बदहाली की मार झेल रहा है। 35 साल से बांध के चारों स्लूज गेटों को खोला नहीं गया, जो जंग लगने की वजह से गलकर बांध की दीवार से चिपक गए हैं और स्लूज गेट्स में सड़ चुकी लोहे की प्लेटों से पानी के बौछार निकलती रहती है। तो 17 बड़े गेट में से भी अधिकांश गेट पानी की निकासी के दौरान अटक जाते हैं, जिनसे लाखों क्यूसेक पानी व्यर्थ बह जाता है। भारत सरकार की एक योजना ड्रिप के अंतर्गत इन सब बांधों के जीर्णोद्धार का कार्य लिया गया है। तो रोबोटिक वीडियोग्राफी से बांध के जीर्णोद्धार से संबंधित चुकी और लगभग 50 साल पुराने बांध हो चुके हैं, तो इनके अंदर की जांच करना आवश्यक था कि इनमें 50 सालों में कितने डैमेजेस आए हैं। तो ये डैमेजेस की पूर्ण रूप से जाँच इस रोबोटिक पद्धति से हो जाने के पश्चात इनकी मेंटेनेंस से इनकी रखरखाव से संबंधित कार्य कराए जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई के लिए चंबल परियोजना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है, जिसे सीधे तौर पर सिंचाई तो नहीं की जाती, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल की सिंचाई में पानी संग्रहित किया जाता है। वहीं रावत भाटा में चंबल नदी के किनारे स्थित परमाणु बिजली घर की बहु इकाइयों, भारी पानी संयंत्र और निर्माणाधीन एनएफसी संयंत्र को भी राणा प्रताप सागर बांध से पानी की आपूर्ति की जाती है। साथ ही बांध के डाउन स्ट्रीम में स्थित पन बिजली घर के मार्फत विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब इसकी फाइनल रिपोर्ट अभी अवेटिंग है, शीघ्र आने के बाद ही इसके सारी पूरे स्थिति का ज्ञात हो सकेगा। जीर्णोद्धार का काम पूरा होते ही राणा प्रताप सागर बांध अगले 50 सालों के लिए उसी मजबूती के साथ चंबल नदी पर डटा हुआ नजर आएगा। दीपक ब्यास, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़।